कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल मनु के कान्हा जी में स्वागत है। और आज है कान्हा जी की छठी का उत्सव, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कान्हा जी का छठी का व्लॉग। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए कि आज हम कैसे मनाते हैं भगवान जी की छठी। कच्चा दूध, और अब हम कच्चे दूध में कान्हा जी को कराएंगे स्नान। तो ये देखिए, अब हमारे कान्हा जी को हम कच्चे दूध में लगाएंगे डुबकी। भगवती वासुदेव कान्हा जी ने स्नान कर लिया है और अब हम इन्हें पहनाएंगे वस्त्र और इनका श्रृंगार करेंगे। और ये देखिए, अब हम हमारे कान्हा जी की देसी घी से करेंगे मालिश थोड़ी सी, जिससे ये एकदम चमक जाएंगे और बहुत ही खुश हो जाएंगे, प्रसन्न भी हो जाएंगे। ये देखिए कितनी साइन करने लग गए हैं ये, जैसे छोटे बच्चे को मालिश करते हैं ना, वैसे ही इन्हें भी हमें मालिश करनी चाहिए। ये देखिए, बस अब हमारे कान्हा जी का श्रृंगार होगा। कान्हा जी ने मालिश करवा ली है और अब हम इनका करेंगे श्रृंगार। तो ये देखिए, ये है हमारे कान्हा जी की आज की ड्रेस। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे कान्हा जी आज ये वाली ड्रेस पहनेंगे। ये है इनकी मैचिंग की पगड़ी और ये है इनकी ड्रेस। देखिए ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस, बस अब हम इन्हें ड्रेस पहनाते हैं। तो हमारे कान्हा जी ने ड्रेस पहन ली है और ये देखिए ग्रीन ग्रीन रंग की ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है। और अब हम इन्हें पहनाएंगे ग्रीन रंग की ड्रेस पे ये रेड रंग की माला, क्योंकि ग्रीन पे ग्रीन तो दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी ने ड्रेस पहन ली है, सारी ज्वेलरी भी पहन ली है। अब हम इन्हें लगाएंगे बाल। तो
तो ये देखिए अब हमारे कान्हा जी की हम लगाएंगे पगड़ी। वाओ, पगड़ी पहनने से तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, तो ये देखिए कान्हा जी को हमने उनकी जगह पे विराजमान कर दिया है और ये स्नान और इनका सारा मेकअप और ड्रेस सब कुछ हो चुकी है। अब हम इन्हें लगाएंगे भोग। और ये देखिए इनका एक छोटा सा दरबार हमने सजाया है। अभी भी झांकी तो हमारे यहाँ लगी हुई है अभी तो अभी हमने हटाई नहीं है, बस छठी की पूजा करके फिर हटाएंगे। तो आप लोग बताइएगा आज का हमारा कान्हा जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। तो ये है हमारी कान्हा जी की बांसुरी। तो ये हमारे फूल और ये है तुलसी दल जो हमने तोड़ के रखे हुए हैं भगवान जी के लिए पानी में डाल के। और अब भगवान जी के लिए लगाएंगे हम भोजन प्रसाद। प्रसाद हमारा बन चुका है। लगाएंगे चंदन का टीका। आओ कान्हा जी भोग लगाओ, कान्हा जी भोग लगाओ, थारा टाबरिया कर है मन आर जी। कान्हा जी भोग स्वीकार करो। तो अब हमने हमारे कान्हा जी को भोग लगा दिया है और अब हम इन्हें पिलाएंगे जल। तो अब हमारे कान्हा जी का भोग भी लग चुका है और अब हम इनकी करेंगे रूम राइड। और अब हम हमारे कान्हा जी को देंगे आज का उनका गिफ्ट। जैसे छठी के ऊपर आज ये इनकी छठी पे इनका बाल स्वरूप है और जैसे आज इनके जन्मदिन के बाद, जैसे आपको पता है जन्मदिन के 6 दिन के बाद तो किसी भी बच्चे की छठी मनाई जाती है, तो आज भगवान जी की भी जन्म के बाद 6 दिन हो चुके हैं तो उनकी छठी है। तो आज इनका हमने इनको भी गिफ्ट देंगे। तो देखिए आज उनका गिफ्ट क्या है। तो ये है उनका गिफ्ट जो हम लोग बड़े ही प्यार से लेके आए इनके लिए, इन्होंने खुद ही मंगवा लिया है। ये है इनका गिफ्ट।
तो ये है इनकी प्रिय तुलसी जी, तुलसी जी का गमला है ये, देखिए कितना खूबसूरत है ये। और काला जी को तो तुलसी बहुत ही प्रिय है। तब इसमें हम एक रियल तुलसी का पत्ता भी लगा देंगे। काला जी आपका गिफ्ट स्वीकार करो भगवान। अब हमारे काला जी का भोग भी लग चुका है और इनकी पूजा भी हमने कर दी है। वैसे तो पूजा सुबह कर दी थी और शाम को भी करेंगे, बस हमने इनके धूप दिखा दी है। तो आपको हमारा आज का काला जी का छठी का व्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा, और हमारा जन्माष्टमी का व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो बस ये था हमारा आज का छठी का ब्लॉग। तो ये देखिए हमारी झांकी भी अभी तक लगी हुई है, थोड़ी सी ऐसे मतलब इतने दिन से लगी हुई है तो बस थोड़ी सी खर गई है। बस अब आज कान्हा जी को हम मंदिर में विराजमान कर देंगे और झांकी को भी आज हटा देंगे। बस अब अगले साल आपको ये झांकी देखने के लिए मिलेगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग आपको हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।